प्रेज लॉर्ड, खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। मंगलवार की इस खूबसूरत सुबह में एक बार फिर हम आपका खैर मकदम करते हैं। खुदावन यीशु मसीह के जलाल कुद्दूस और कय्यूम नाम में आपके लिए सलाम लाए हैं। हम अपनी असेंबली बिलीवर शकरपुर से जुड़ी हुई सारी कलीसियाओं की तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से, और एक एक उस शख्स से जो हम सबसे प्यार करता है, आपके लिए सलाम लाएँ, सलाम कबूल करिए, ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। एक दिन खुदावन यीशु मसीह दुनिया में आया, आज से 2020 साल पहले। तो एक जगह वो एक शहर में गया था। सुनिएगा मरकुस की इंजील उसका छठा बाब और उसकी तीसरी आयत। मैं नाजरत के लोगों की बात कर रहा हूँ। वो नाजरत जहाँ पे यीशु मसीह राजा के डर से भागा था हेरोदिस से, उसके माँ बाप उसको वहाँ ले गए थे। सुनिएगा छठा बाब तीसरी आयत। क्या ये वही बड़े नहीं जो मरियम का बेटा है, याकूब और योसेस और यहूदा और शमाउन का भाई है? हाँ। और क्या इसकी बहने हमारे यहाँ नहीं नहीं? देखिए वो कह रही है तो उनका बड़ी, ये तो बड़े ही का बेटा है। उन्होंने खुदा का बेटा ही नहीं माना। आज भी दुनिया के बहुत से लोग हमसे कहते हैं, तुम उसे खुदा का बेटा क्यों कहते हो? तो हम कहते हैं, बताइए तुम्हारी किताब में उसके बाप का नाम क्या लिखा है? उनके पास जवाब नहीं होता। आज लोग इस बात से खुदा का इंकार कर रहे हैं। मत्ती रसूल की इंजील उसका आठवां बाब और उसकी 34वीं आयत को। और देखो सारा शहर यीशु से मिलने को निकला। बड़े यानी ऐसा लग रहा है ये शहर खुदा की बातें सुनकर आया है और खुदा को धन्यवाद देना चाहता है, खुदा की बड़ाई करना चाहता है, और कहता भाई मेरे घर में आके रहो। वो कह रहा मेरे घर में आके रहो, जरा हमारे यहाँ खाना खाओ। सारा शहर उससे मिलने निकला। देखिए किसी लिए मिलने निकला, पढ़े। और उसे देखकर मिन्नते की। क्या में? उसने उनके बीमारों को ठीक करा, उसने उनके उनके इलाके में से बदरुओं को निकाला,
उसने उनके लंगड़ों को ठीक करा, टुंडों को ठीक करा, अंधों को ठीक करा, बट आकर उससे क्या मिन्नत कर रहे हैं सुनिएगा। मिन्नत की, हाँ, कि हमारी सरहद से बाहर चला। ओफो, अरे खुदावन यीशु मसीह तुम्हारे शहर में आया है, तुम्हें शिफा दे रहा है। आज की तारीख में भी होता है, जब खुदा खादिम कहीं बाहर से आता है तो उस स्टेट के लोग, वहाँ की गवर्नमेंट उससे कहते दोबारा मत आना। ये खुदा का इनकार है। उन्होंने खुदा के काम देखे और खुदा के बेटे से कहने लगे आइंदा से मत आना। तो खुदा बाप चाहता है कि हम खुदा के लोग इस बात में तायद रहें, खुदा के पास जाए, कहें खुदा बाप तो मेरे घर रहे। जकर्याह ने तो यही तो कहा था, जब खुदा बाप ने कहा मैं तेरे वो जाऊँगा घर में, तो उसके पास तो सबब था कि वो मना कर देता, लेकिन उसने मना नहीं करा। लिखा वो खुदावन यीशु मसीह को अपने घर में ले गया, और जब वो घर में ले गया तो उसको नहीं उसके सारे खानदान को नजात मिली। और मैं सोच रहा था इस शहर वालों ने यीशु मसीह को कहा हमारे सरहद के बाहर चला जा। इसके बरक्स आप देखिएगा, जब यीशु मसीह याकूब के कुएं पर बैठा था और एक सामरी औरत आई थी और यीशु मसीह ने उससे कहा तू मुझे पानी पिला, तो सामरी औरत कहने लगी तू तो यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है, तो यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझे जानती तो मुझसे वो पानी मांगती जो कभी तुझसे खत्म ना होता। यीशु मसीह ने उसकी सारी बता दी, तो वो घड़ा छोड़कर शहर में गई, शहर के लोगों को बताया। वही शहर वाले एक दिन यीशु मसीह को पास आए और अब सामरी औरत से कहने, अब हम तेरे कहने से कोई जानते हैं, हमने खुद उससे देख लिया है। जिस दिन आप यीशु मसीह का इकरार कर लोगे, उस औरत ने इकरार कर लिया। वो पहले तो कह रही थी हाँ कहते हैं वो आएगा, लेकिन वो जब जान गई तो जाके कहने लगी मैं तो यीशु से मिलकर आ रही हूँ। उसका यीशु का इकरार करना, उसका यीशु पर ईमान लाना एक शहर को बचाने का कारण बना। अगर आप भी आज की तारीख में यीशु को इकरार करते हैं तो मुझे कह लेने दीजिए, एक शहर आपसे बच जाएगा। एक कुछ लोग, कुछ नहीं ज़्यादा लोग बच के खुदा के पास आएंगे। वजह यह कि आप यीशु का इकरार ही नहीं कर रहे। आज तक अपनी बातों से यीशु का इनकार कर रहे हैं। तो हम क्रिश्चियन, लेकिन क्रिश्चियनिटी वाले हम काम नहीं कर रहे। हम कामों से इकरार बताएं, अपने होंठों से नहीं। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे हो तो कोई तेरे गाल पे चाटा मारे दूसरा फेर दे। क्या हम ये करते हैं? इससे मालूम होगा हम किसके हैं। हम यीशु मसीह को अपने जीवन से बताएं, दिखाएं कि मैं यीशु मसीह तेरा बच्चा हूं। इसी का मत्ती का 21वां बाब और उसकी 42वीं आयत में ऐसा लिखा है, यीशु ने उनसे कहा क्या तुमने किताब मुकद्दस में नहीं पढ़ा जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने रद्द कर दिया, तोड़ने का सिरा का पत्थर हो गया, हाँ ये खुदावन की तरफ से हुआ, हाँ और हमारी नजर में अजीब है। ओहो, देखिए मालूम क्या बता रहा है, वो बता रहा उन्हें तुमने इसे रद्द करा। बहुत से लोगों ने खुदा ने यीशु मसीह को रद्द करा, हमारी सरहद से चला जा, लेकिन वो यीशु मसीह हमारे लिए कोने के सिरे का पत्थर बना। मालूम है जब भी कभी मकान बनता तो कोने के पत्थर बड़े सोच समझ के लगाया जाता है, ऐसा वैसा नहीं लगा देते। टूटे फूटे पत्थरों को तो बीच में लगाते हैं, किनारे उम्दा पत्थर लगाते हैं। ये वो पत्थर था यीशु मसीह जिसे लोग ठुकरा रहे थे, जिसे फरीसी ठुकरा रहे थे, जिसे काहिन ठुकरा रहे थे, लेकिन एक दिन यही कोने के सिरे का पत्थर बन गया। वो तब हुआ जब लोग उसका इकरार करने लगे। लूका रसूल की इंजील उसका 4वां बाब उसकी 28वीं और 29वीं आयत को पढ़िएगा, वहां ऐसा लिखा है, जितने इबादत खानों में थे, हाँ, इन बातों को सुनते ही कहर से भर गए, जी, और उठकर उसको शहर से बाहर निकले। बड़े बताइए, वो खुदा की बातें बता रहा था, वो उनसे जिंदगी की बातें कर रहा था, वो उनको बादशाह में ले जाने वाली बात कर रहा था और कह रहा था मैं आऊँगा और तुमको अपने साथ ले जाऊँगा, और कह रहा कि खुदा ने मुझे भेजा कि ताकि मैं उसके नाम को आगे बढ़ाऊँ। तो सुनो, सुनने वालों को तो बरकत मिलनी चाहिए थी। वो कहर से भर गए और उसको कहाँ ले गए? शहर से बाहर ले गए, हाँ, पहाड़ की चोटी पर ले गए। और कहाँ ले गए? पहाड़ की चोटी पर, जहाँ एक दिन शैतान उसको ले गया था। आपको याद आ रहा है ना, रोजों के दिनों में शैतान उसको पहाड़ की चोटी पे ले गया और कहने लगा तू अपने ते यहां गिरा दे तो मैं सारा तुझको दे दूंगा। और पहाड़ की चोटी पे ले गए किसी लिए, सुनिएगा, हाँ, उसको सर के बल गिरा दे ताकि वो लेकिन वो उनके बीच में से निकल कर, क्योंकि अभी उसका वक्त नहीं आया था। ऐसे भी लोग हैं जो शिफा देने वाले को, जो जिंदगी देने वाले, क्योंकि बाइबल में लिखा जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जिंदगी है, और ये उसे मारने की ताबे हो गए। तब तो मार नहीं पाए,
उसका बदला उन्होंने उसे सलीब पे चढ़ा के दिया। और सलीब पे चढ़ाना और उसको पहाड़ पे से नीचे गिराना, ये इकरारनामा नहीं था, ये इनकार था। और आज खुदा बाप चाहता है कि हम खुदा के लोग खुदा की हजूरी में रहें और उसका इकरार करें। लूका रसूल की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 18वीं आयत में देखिएगा, यहाँ पे सरदार काहिन बैठा है, यहाँ पे हुक्मरान बैठे हैं, वो सब मिलकर चिल्ला उठे, ले जा और हमारी खातिर ओफो। उन्होंने सुने थे सारे कि यीशु मसीह ने आज उसे ठीक कर दिया, यीशु मसीह ने सबत के दिन एक को ठीक कर दिया, लेकिन आज वो चिल्ला कर कहने लगे इसे मत छोड़ना बल्कि बरब्बा को छोड़ दे। यीशु मसीह का इनकार करा और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। यीशु मसीह को तो चढ़ना ही था, यीशु मसीह ने तो कुर्बानी देनी थी, लेकिन अफसोस उन लोगों पर जिन्होंने ये काम करा। इसी का 17वां बाब और उसकी 25वीं आयत को पढ़िएगा। लेकिन पहले जरूर है कि वो बहुत दुख उठाए। लिखे सुनिएगा, यीशु ने मेरे और आपके लिए कफारा दिया, लेकिन बाइबल लिखकर लेकिन जरूर है वो हमारे लिए बहुत दुख उठाए और इस जमाने के लोग इस जमाने के लोग उसे रद्द कर दें। उसने इतना दुख उठाया और फिर भी लोगों ने रद्द करा। मालूम है सिर्फ एक या दो आदमी ने उसको रद्द नहीं करा। एक कह रहा था हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, इसने तो कोई भी गुनाह नहीं करा, और दूसरा कह रहा था सचमुच ये खुदा का बेटा है। बाकी सब ने रद्द कर दिया, यहाँ तक कि उसके जो 11 चेले थे वो भी छोड़ के भाग गए पतरस समेत। वो उसकी माँ भी यीशु के दोस्त के साथ उसके घर चली गई। यीशु मसीह अकेला रह गया सलीब पर और उसने तीसरे पहर में अपनी जान दे दी। खुदा बाप नहीं चाहता कि हम उसका इनकार करें अपने कामों से। सिर्फ देखो चंद लोगों ने नहीं, जब यीशु मसीह दुनिया में आया उसी दिन से उसको रद्द करना शुरू कर दिया। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 1वां बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत को पढ़िएगा, जहाँ कुछ ऐसा लिखा पढ़े। बड़े ध्यान सुनिएगा, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई। बताइए जब सारी चीजें उसके जरिए से पैदा हुई, आपके घर में काम करने वाला हो और आपके घर में सारी चीजें, टीवी वो ला रहा है, फ्रिज वो ला रहा है, अलमारी वो ला रहा है, कारपेट वो लगवा रहा है, उत्तम खाना वो खिला रहा है। इसीलिए यीशु में लिखा वो दुनिया में था और सारी चीजें उसी के वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे पहचाना ही नहीं। ये आसमान से उतर कर आया है। लेकिन 11वीं आयत मेरा आपको बरकत देगी, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। आज हम खुदा के अपने लोग हैं, इन क्रूशियल डे में हम खुदा को कबूल ही नहीं कर रहे हैं। हमें अपनी जान प्यारी है। यीशु मसीह ने अपनी जान को प्यारा नहीं समझा। कह रहा था वो अगर अभी कहूँ तो 12 तमन फरिश्ते आ जाएंगे और एक तमन में 6,000 होते हैं, 72,000 फरिश्ते आ जाते हैं। मालूम जब एक फरिश्ते ने एक ही रात में 1,85,000 फौजियों को मार गिराया था तो 72,000 फरिश्ते क्या करते, दुनिया ख़त्म थी। लेकिन दुनिया ने उसे पहचाना नहीं और उसके अपनों ने नहीं पहचाना। तभी तो यीशु मसीह ने एक दिन कहा था नबी अपने ही वतन में बेइज्जत हो, लोग उसकी इज्जत नहीं करते हैं। आज दुनिया भी कहावत है घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, इसी तरह लोगों ने यीशु मसीह के साथ बिहेव करा। लेकिन 11वीं आयत यूं कहती, पढ़िएगा आगे, लेकिन जितनों ने उसे कबूल करा कबूल करने का मतलब यही नहीं कि हमने गले में सलीब टांग करी, कबूल करने का मतलब यही नहीं कि हमने घर में एक यीशु मसीह की फ़ोटो लगा रही, कबूल करने का ये मतलब नहीं कि हम बाइबल पढ़ने लगे, कबूल करने का ये मतलब है अपना जीवन खुदावन को दे देना। जब किसी से शादी करते हैं तो उसे कबूल करते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी उसको दे देते हैं। क्या मैंने और आपने खुदा को कबूल करा है? मैं तो अपने सारे ख़ानदान के समेत खुदा को कबूल कर रहा हूँ। और जितनों ने कबूल करा, सुनिएगा, और जितनों ने कबूल करा, जितनों ने उसे कबूल किया, हाँ, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हाँ,
यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, क्या कर उनको उसने अपना बेटा और अपनी बेटी बनाया। क्या आपने यीशु मसीह को कबूल करा? सिर्फ वहां पर सलीब के पास खड़े रहने से यही काफी नहीं था कि सचमुच ये खुदा का बेटा है। आज मैं और आप भी तो कहते हैं खुदा का बेटा है, लेकिन जो उस आदमी ने बाद में काम करा, जो खुदा की कौम का नहीं था, इतालवी पलटन का सरदार था, जब वो घर पे आया तो उसके लिए लिखा है वो सारे घराने समेत खुदा से डरता था। देखिएगा, आज बहुतों के घर में आधे डरते हैं, आधे नहीं डरते, आधे टाइट देते हैं, आधे नहीं देते, आधे चढ़ जाते हैं, आधे नहीं जाते। इसका माने आपका खानदान कहीं शक व शुबा में आ गया यीशु मसीह के लिए। वो सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यूं लिखा है, और सारे घराने समेत खुदा से दुआ करता था। ये दो काम बड़े अहम हैं, खुदा से डरना और खुदा से दुआ करना। अकेले नहीं भाई, हम तो अपनी कर लेते हैं। अब वो बच्चा पता नहीं कब आता है, वो बच्चे वो देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वो अपना वो देख रहा है प्रोग्राम। नो, सारे घराने समेत खुदा से डरिए, सारे घराने समेत खुदा से दुआ करिए, और अपने सारे घराने को सिखाइए जब कोई खुदा का बंदा घर में आता तो उसे मुट्ठी बंद करके देते, जैसे कुरनूलियस यहूदियों को खैरात दिया करता था। यहूदी भीख मंगे नहीं थे, यहूदी हाथ नहीं फैलाते थे, तब भी ऊंची कौम थी, आज भी सबसे ऊंची कौम है, लेकिन फिर भी वो खुदा के लोगों को दान दिया करता था। मन में क्यों? ताकि इससे खुदा की खिदमत और आगे बढ़े। आप खुदा की खिदमत को बढ़ाने में इसका एक हिस्सा बनिए, आप खुदावन यीशु मसीह को कबूल करने में एक हिस्सा बनिए। आप अपनी कमाई में से, अपनी जेब में से, अपने खर्चों में से खुदा को देना शुरू करिए, खुदा के घर में देना शुरू करिए, ताकि खुदा का नाम जलाल पाए और खुदा काम बढ़े, खुदा का राज्य बढ़े, खुदा के लोग खुदा के पास आए। आपको नूली सवाल हल करिए, जितनों ने उसे इकरार करा, इनकार नहीं करा, और जितनों ने इनकार करा वो बेटे नहीं बन पाए, वो बेटियां नहीं बन पाई। जितनों ने नूह की किश्ती में जाने से मना करा, सब उस पानी में डूब के मर गए। याद रखिए, आज की तारीख में मेरे को और आपको यीशु मसीह का इकरार करना बहुत ज़रूरी है, और जब तक आप यीशु मसीह का इकरार नहीं करेंगे तो यीशु मसीह आपसे खुश नहीं होगा। एक आयत आपसे अड़वाना चाहता हूँ, यूहन्ना का पाँचवा बाब और उसकी 43वीं आयत पढ़िएगा। ये सारे राष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं, दुनिया के सारे उन देशों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार करा। वहाँ पे ऐसा लिखा है, पढ़िएगा जी। मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ। बड़े ध्यान सुनिएगा, कहने लगा मैं अपने बाप के नाम से। भैया अपने, मैं अपने नाम से कोई आया हूँ? मेरा नाम सिसिल न्यूटन, में आ गया मैं सिसिल न्यूटन हूँ, मैं खुदा की खिदमत करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम खुदावन यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे पास आ रहे हैं। हाँ, मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ और तुमने मुझे कबूल नहीं किया। यानी इनकार करते हैं, खुदा खादिम का इकरार कर, इनकार करना खुदा का इनकार करना है। यीशु मसीह ने कहा है जो मेरे भेजने वाले की इज्जत करता है, जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है, वो मेरे आसमान के खुदा को कबूल करता है और उसकी इज्जत करता है। मैं खुदा का नाम लेके आया हूँ पर तुमने मुझे कबूल नहीं करा। अगर कोई और अपने ही नाम से आए, अगर कोई अपने नाम से आए तो उसे कबूल कर लो। तो तुम उसे क्या करोगे? कबूल कर लोगे। जो यीशु मसीह की बात आपको बता रहा है, जो आपके घर में बैठकर बेफजूल की बातें नहीं करता, जो सिर्फ खुदावन यीशु मसीह की बातें बता रहा है, तो आपका तो फर्ज है आप उसे कबूल कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको कबूल करके खुदा को कबूल कर रहे हैं। आप खुदा के चुने हुए फर्जन बन जाइए, जैसे यूसुफ याकूब का चुना हुआ फर्जन था, बावजूद 10 बेटों के वो प्यार यूसुफ को ही करता था, वो प्यार यूसुफ को करता था। आज ऐसी आसमान खुदा की निगाह में बहुत से खादिम हैं, बहुत से बच्चे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ वो प्यार आपको करे। वो कब करेंगे? जब आप उसका इकरार करना शुरू करेंगे, इबादत करने में उसका इकरार करना और खुदा को देने में उसका। इन्हीं चीज़ों से तो जाहिर होता है, इबादत करना और खुदा को देना। तो बाइबल ने लिखा मलाकी के 3 बाब में, तुम मुझे धोखा देते हो और फिर पूछते हो हमने तुझे किस बात में धोखा दिया। तुम मुझे दो चीज़ में धोखा देते हो, पहला तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा के घर में नहीं देते, और दूसरा जो हदिया तुमने देना खुदा को इबादत के अंदर वो भी नहीं देते हो। ये धोखा है। इस तरह देकर हम खुदा को कबूल करते हैं, ना देके उसका इनकार करते हैं, और जो उसका इनकार करते हैं वो नाश हो जाता है। आखिरी आयत पढ़ा के मैं आपसे रुखसती चाहूँगा, और वह है यूहन्ना का 12वां बाब
और उसकी 48वीं आयत में कुछ ऐसे लिखा, पढ़ें, जो मुझे नहीं मानता मेरी बातों को कबूल नहीं करता। मालूम और माना नहीं, वो कह रहे हैं ये तो बड़े ही का बेटा है, ये तो बड़े ही का बेटा, इसके भाई और बहनें हमारे यहाँ रहती हैं। लिखा जो मुझे नहीं मानता वो मुझे और मेरी बातों को कबूल नहीं करता, और वो मेरी बातों को कबूल नहीं करता, उसका एक मुजरिम हाँ वाला है, उसको एक मुजरिम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया है, हाँ आखिरी दिन में वही उसे मुजरिम ठहरा। आपको यीशु मसीह मुजरिम नहीं ठहरा रहा, ये कलाम आपको मुजरिम ठहरा सकता है, ये मुजरिम, ये कलाम आपको धधकते हुए आग के भट्टे में डाल सकता है, और खुदा नहीं चाहता कि आप आग के भट्टे में जाएं। आप उसका इकरार करिए ताकि आपकी जिंदगी बरकतों से भरे। आइए आज हम आपके लिए दुआ करें। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे इसी टॉपिक को लेकर, और आपको सिखाएंगे हम कब इनकार करते हैं, किन वजूहात में इनकार कर जाते हैं। आपको बरकत मिलेगी, तैयार रहिएगा, सुबह जल्दी उठ जाइएगा, 6:30 बजे TV के सामने बैठ जाइएगा ताकि हम आपसे हम कलाम हो। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हमने तेरे वचन को समझा, जाना, पहचाना, खुद हमने समझा और लोगों को समझाया, ये हमारी ज़िंदगी में पेवस्त हो जाए, हमारे दिमाग में छप जाए, ताकि हम हर बात में तेरे को कबूल करें, ताकि कबूल करें और आसमानी बादशाह में तेरे दैन हाथ पे खड़े हो सकें। सबको बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।
उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें, अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं, आप इनके द्वारा हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, एस 410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891515223।